टीम इंडिया के कोच पद को लेकर बीसीसीआई ने किसी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से संपर्क नहीं किया है। इस बात की जानकारी बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने आज दी है। उन्होंने कहा कि कोच पद के लिए वैसे व्यक्ति की तलाश की जा रही है जो भारतीय क्रिकेट को समझता हो। जय शाह ने कहा कि टीम इंडिया के कोच पद पर वैसे ही व्यक्ति को चुना जाएगा जो यहाँ के क्रिकेट माहौल के साथ साथ हमारी घरेलू क्रिकेट के ढांचे की भी गहरी समझ रखता हो। जय शाह ने अपने बयान में कहा कि ना तो मैंने और ना ही बीसीसीआई ने किसी अधिकारी से इस संबंध में किसी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से बात की है। यह खबर पूरी तरह अफवाह है। गौरतलब है कि रिकी पोंटिंग ने हाल ही में यह बयान दिया था कि उनसे टीम इंडिया का कोच बनने के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन आईपीएल में अपनी बिजी शेड्यूल और अन्य समझौतों की वजह से उन्होंने कोच बनना स्वीकार नहीं किया। हालांकि इससे उन्हें खुशी मिलती। उन्होंने ये भी बताया था कि उनके बेटे से उनसे ये पद स्वीकार कर लेने के लिए कहा गया था और जस्टिन लैंगर का नाम भी मुख्य कोच की रेस में शामिल था और इन दोनों के बाबत बयान भी दिया था। आईपीएल में पोंटिंग अभी दिल्ली कैपिटल्स और लैंगर लखनऊ के कोच हैं। जय शाह ने कहा कि टीम इंडिया का कोच वही व्यक्ति होगा जो भारतीय क्रिकेट को और आगे लेकर जाए। उन्होंने कहा कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच से अधिक प्रतिष्ठित कोई पद नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया के पास विश्व स्तर पर सबसे अधिक प्रशंसक है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे खेल का समृद्ध आधार है और खेल के प्रति खिलाड़ियों और फैंस में जो जुनून है वह इसे और समृद्ध बनाता है और टीम इंडिया के कोच का पद बहुत ही खास है और इसके लिए हमारी तलाश जारी है और हम एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करेंगे जो भारतीय क्रिकेट को और समृद्ध करे। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।